दोस्तों मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, ओके मैरी क्रिसमस, तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस ब्लॉग में देने वाला हूँ आप लोग को, वो होने वाला है चर्च का। जी हाँ, जैसे आज क्रिसमस डे है तो हमने प्लान किया कि आज हम चर्च का आप लोग को ब्लॉग देंगे। और मेरे साथ इस ब्लॉग में मेरे फ्रेंड आर्या है। जी हाँ, पता है ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी साथ में। तो आप देख सकते हो मेरे सामने ये चर्च है और बहुत ज़्यादा ही भीड़ है चर्च के अंदर, और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो हमें चर्च जाने का जो रास्ता है यहाँ से मिलेगा, और आप जस्ट बगल में देख पाओगे यू नो कैंडल के स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत यू नो बहुत ब्यूटीफुल कैंडल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। दोनों साइड में कैंडल का स्टॉल है, तो आपको मिल सकता है। जस्ट हम एंट्री यहाँ से लेंगे और आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। आपको बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि आज जैसे मैं इंटर करता हूँ आप देख पाओगे यू नो बहुत सारी स्ट्रीट फूड भी है यहाँ पे। आप पेस्ट्री के स्टॉल देख सकते हो, गोलगप्पे के स्टॉल देख सकते हो, निमकी के भी स्टॉल है, और फेवरेट मेरा निमकी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मुझे। मैं कभी भी ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ तो यू नो मुझे निमकी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उस यू नो ट्रैवलिंग के क्रम में मैं निमकी खाता हूँ। अगर आप सब इस चर्च में आए हो तो कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ आप लोगों ने यहाँ पे आया है। तो दोस्तों आप देख पाओगे यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे कैंडल्स ला कर के। दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं यू नो चर्च के अंदर। दोस्तों आप ये चर्च का बोर्ड देख सकते हो, इस चर्च का द होली सेवियर चर्च आरा है, और जस्ट हम यहाँ से एंटर करेंगे। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चर्च के अंदर। दोस्तों मैं अभी जस्ट चर्च के अंदर हूँ और जस्ट मैंने एंट्री यहाँ से लिया है, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस चर्च में काफ़ी ज़्यादा यू नो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और दिखाना चाहूँगा जैसे बाहर भीड़ है वैसे अंदर भी इस चर्च के बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग सेल्फीज ले रहे हैं। दोस्तों मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा लोग इस चर्च में किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे यू ना कुछ परफॉर्मेंस भी होने वाली है। जो एक भाई है जो कि आई थिंक म्यूजिक कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, मैं उनके फ्रंट में नहीं हूँ बट कोई बात नहीं, आप सुन पाओगे इसके जो धुन है गिटार के साथ वो प्ले कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि परफॉर्मेंस जो कर रहे थे वो हैं सरगम ग्रुप से हैं लोग, और काफ़ी यू नो शानदार आवाज़ में वो गा रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मैं ब्लॉग बनाते वक्त यू नो गुनगुना भी रहा था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हर साल आते हो यहाँ पे? हाँ, बस मतलब आते हैं। जब छोटे थे हम लोग तो ऐसे नॉर्मल बैठते थे, फिर जब सीखना शुरू किया तो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। लाइक संडेज को आते हैं और संडेज को परफॉर्म करते हैं, हर संडे का प्रेयर होता है।
उसमें भी उसके बाद क्रिसमस में तो पूरा ग्रैंड ही होता है, और इस बार थोड़ा और बेहतर होना था। लास्ट टाइम पे हमारा म्यूजिक सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो बैटरी का था, डिस्चार्ज हो गया। कोई बात नहीं, जितना भी परफॉर्मेंस हुआ काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा गाते हो। थैंक यू। और आपका यूट्यूब चैनल भी है ना? हाँ। किस नाम पे? सरगम ग्रुप के नाम से। हाँ, तो दोस्तों आपको सरगम ग्रुप वाले यूट्यूब चैनल पे जाना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना। तो मेरे सामने एक छोटा सा प्यारा सा सेंटा क्लॉज है। हेलो क्या, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी इस वीडियो में लेते हैं। ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा सेंटा क्लॉज। दोस्तों मैं कुछ भाइयों से क्वेश्चन करने वाला हूँ कि वो कब से यहाँ आते हैं, कहाँ से आए हुए हैं। तो आप लोग कब से आए हुए हो? मैं कल से आया हूँ। अच्छा, कल से? और कहाँ से? ओके, ये भाई बोल रहे हैं मध्य प्रदेश से आए हुए, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा। ओके चलिए, थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। या वो कैंडल के साथ यू नो क्रिसमस डे सेलिब्रेट करता है। दोस्तों यहाँ पे एक फैमिली मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसे मिलाना चाहता हूँ। और ये रहे, मैरी क्रिसमस। आप लोग कहाँ से आए हुए हो? आरा। तो आप कब से आते हैं? अच्छा, फर्स्ट टाइम है। ओके, और आज मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि मैं पहले आया करता था तो उसे इतना भीड़ नहीं होता था, बट आई थिंक इसमें दो साल से कोविड चला उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस साल हुआ। तो दोस्तों इस चर्च में मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत यू नो बहुत अच्छे दिख रहे हैं यू नो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए। दोस्तों मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ओके, मेरा जो क्वेश्चन आप लोग से, आप लोग इस चर्च में कब से आते हो? अच्छा, आप लोग का फर्स्ट टाइम है। इसके पहले हम लोग गिरजा मोड़ वाले चर्च में जाते थे। अच्छा, ये लोग गिरजा मोड़ वाले चर्च में जाते थे और इनका ये यू नो फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग का अनुभव इस चर्च में कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छी बात। अच्छा, गाइस प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट गाइस। तो दोस्तों मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ, जब मैं 10th क्लास में था तो तब यहाँ पे आया था, और 6-7 साल बाद फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उस समय काफ़ी कम भीड़ होती थी, बट अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो दैट्स इट।